हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. आई एम कमलेश कुमार फ्रॉम जयत्री एकेडमी. टुडे आई विल एक्सप्लेन चैप्टर 3 ऑफ ईवीएस ऑफ क्लास 4th. योर चैप्टर थर्ड नेम इज अ डे विद नंदू. नंदू के साथ एक दिन. नंदू वेक्स अप. नंदू मॉर्निंग में जागता है. नंदू वेक अप एंड ओपन हिज आइज. सुबह जागता है और देखता है. फॉर अ फ्यू सेकेंड ही वॉज नॉट श्योर वेयर ही वॉज. कुछ सेकेंड में पहचान ही नहीं पाता है कि क्या है. इट इज सीम्ड टू हिम दैट ही वॉज सराउंडेड बाई ए फॉरेस्ट और बिग ग्रेट ट्री ट्रंक्स. अपने आप को पाता है कि वहाँ एक घने जंगल में जहाँ आस पास के बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं. ही ब्लिंक्ड हिज आइज एंड लुक्ड अराउंड. अपनी आंखों से इधर देखता है. ओ देयर वॉज अम्मा. यहाँ पे एक अम्मा है. द ग्रे फॉरेस्ट दैट ही हैड इमेजिन ही वॉज इन एक्चुअली द लेग्स एंड ट्रंक्स ऑफ हिज फैमिली मेम्बर्स. उसने वहाँ जो एक इमेजिन कर रखा था बड़ा सा जंगल, वो क्या दैट वॉज एक्चुअली वो वहाँ पे था. द सन वॉज ओवर हैड एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सन कहाँ था, उसके ऊपर चढ़ा हुआ था. नानी माँ ट्रम्पटेड मेड अ लाउड साउंड. उसकी नानी माँ ने क्या किया, एक बड़ी सी आवाज़ निकाली. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट. नानी का थी जो सबसे ओल्ड एलिफेंट थी उस उनके झुंड में, उसने आवाज़ लगाई. सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल. वो क्या जंगल की तरफ मूव करना स्टार्ट होती है. द अदर फीमेल एलिफेंट्स. तो सन वॉज ओवर एंड इट वॉज गेटिंग हॉट. सूर्य क्या था, मतलब ऊपर चढ़ चुका था और बहुत गर्मी थी. नानी माँ ट्रम्पटेड. नानी उसने जो नानी एलिफेंट थी उसने क्या किया, तेज से आवाज़ लगाई. मेड अ लाउड साउंड. नानी माँ इज द ओल्डेस्ट इन दिस हर्ड ऑफ एलिफेंट्स. उस हाथियों के झुंड में सबसे बूढ़ी थी. सी स्टार्टेड मूविंग टुवार्ड्स द जंगल. वो क्या जंगल की तरफ चलना शुरू हुई. द अदर फीमेल एलिफेंट सॉ हर. उसकी साथ ही कुछ फीमेल एलिफेंट्स ने देखा एंड स्टार्टेड टू फॉलो हर. उसको फॉलो करना स्टार्ट, मतलब उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया. नंदू आल्सो वेंट विद देम. नंदू भी उनके साथ चल दिया. व्हेन दे रीच्ड द जंगल द मेंबर्स ऑफ द हर्ड स्टार्टेड स्प्रेडिंग आउट. जैसे ही जंगल पहुंचे क्या हुआ, वो फैलना शुरू हो गई. ईच मेंबर बेंट टू ईट हर फेवरेट. क्या किया, जो हर एक मेंबर अपना फेवरेट को खाने के लिए इधर उधर जाने लगा. लीव्स एंड ट्विक्स, जो पेड़ों की पत्तियां खाने या जो भी खाते वो खाने के लिए इधर उधर फैलने लगे. आफ्टर दे हैड ईटन द हर्ड मूव्ड टुवर्ड्स. सबके खाने के बाद क्या हुआ, जो झुंड था वो आगे बढ़ा दर नदी की तरफ. द बेबी एलिफेंट्स एंजॉयड प्लेइंग इन द वाटर. जो बेबी एलिफेंट था उसने वो क्या है, उसने जंगल में नदी के पानी में एंजॉय करना शुरू कर दिया. द मदर्स ले डाउन इन द वाटर एंड मड ऑन द रिवर बैंक. वो क्या किया, जो मदर उसकी थी वो पानी में लेट गई और उसने क्या किया, बहुत सा नदी किनारे कीचड़ फेंकना शुरू कर दिया. डू यू नो द एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 किलोग्राम्स ऑफ लीव्स एंड ट्विक्स इन वन डे. क्या आप जानते हैं, एक जो बड़ा हाथी है वो कम से कम 100 किलोग्राम लीव्स को एक दिन में खा सकता है. दिस लीव फॉर ओनली 2 और 4 आवर्स इन अ डे. वो ओनली 2 से 4 घंटे पूरे दिन में सोते हैं. एलिफेंट्स लव टू प्ले विद मड एंड वाटर. हाथियों को कीचड़ में और पानी में खेलना अच्छा लगता है. द मड कीप्स देयर स्किन कूल. उस कीचड़ से क्या होता है, उनकी जो स्किन होती है वो ठंडी हो जाती है. देयर बिग ईयर्स आल्सो वर्क लाइक फैंस. उनके जो बड़े बड़े कान होते हैं वो क्या पंखे की तरह काम करते हैं. द एलिफेंट फ्लैप दीज टू कीप देमसेल्फ कूल. उनको हिलाते हैं जिससे अपने आप को क्या ठंडा रखने के लिए. यू कैन दिस इन दिस पिक्चर यू कैन सी अ डे डिफरेंट एनिमल्स enjoying in the water. Fun and games. Nandu saw her
नंदू सा हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स पुलिंग ईच अदर्स टेल्स ही थॉट आई बेटर नॉट गेट देम वॉट इफ दे फॉल ऑन मी। उसने कहा अच्छा रहा मैं नहीं भाग गया, नहीं तो मुझे वो गिरा देता। आई एम स्टिल स्मॉल, मैं बहुत छोटा हूँ। ही क्वाइटली वेंट एंड स्टूड नियर द, वो क्या चुपचाप से गया अपनी माँ के पास, खड़ा हो गया। अम्मा जेंटली पुश्ड नंदू टुवर्ड्स द वाटर, वो क्या उसको आसानी से धीमे धीमे पानी की तरफ ले गई। एज शी वॉज टेलिंग हिम टू गो एंड प्ले, वो उनको बता रही थी जाओ और खेलो। नंदू लव टू प्ले इन द वाटर, उसको अच्छा। हिज कजिन्स पर ऑलरेडी देयर जस्ट ही रीच नियर ए स्ट्रॉन्ग फाउंटेन ऑफ वाटर फेल ऑन हिज, क्या जैसे ही पास पहुंचा तो क्या हुआ, एक पानी उसके ऊपर डाल दिया। ही गॉट वेट, पूरा गीला हो गया वो। दिस वाज द वर्क ऑफ दिस नॉटी कजिन्स, ये इनका काम है। नंदू ज्वाइन देम इन द गेम, उनके उसके साथ उनको ज्वाइन कर लिया और उसने इंजॉय किया। थैंक्स।